हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिशरीज दुनिया। तो आज हम पढ़ेंगे एक्वा कल्चर सिस्टम्स, मेथड एंड टाइप्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज सिस्टम्स, मेथड एंड टाइप्स के बारे में। एक्वाकल्चर इज क्लासिफाइड इन सेवरल वे डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड सिचुएशन इन्वॉल्व द कल्चर प्रैक्टिस। तो सम बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी के बेसिस पर मतलब हम कैसे फार्मिंग करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फ्रेश वाटर फार्मिंग, उसके बाद ब्रैकिश वाटर फार्मिंग। तो फ्रेश वाटर फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स इन जीरो सलिन वाटर, यानी उसमें सैलिनिटी की मात्रा एकदम जीरो होगी, उसी को हम फ्रेश वाटर फार्मिंग कहते हैं। ब्रैकिश वाटर फार्मिंग क्या होता है? तो ब्रैकिश वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर विद अ सैलिनिटी लेस देन 30 PPT। ब्रैकिश वाटर फार्मिंग वो होता है मतलब जहां पे सी वाटर एंड फ्रेश वाटर को मिक्स करके जो फॉर्म बनाया जाता है उसी को बोलते हैं ब्रैकिश वाटर फार्मिंग, जिसमें सैलिनिटी की मात्रा 30 PPT से कम होता है। जैसे कि एग्जांपल में ईस्चुरीज, बैक वाटर्स, क्रीक्स एंड मैनग्रोव्स वाटर एंड ब्रैकिश इन नेचर। अगला है मरीन वाटर फार्मिंग। फार्मिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स इन सी वाटर इज मरीन वाटर फार्मिंग और मैरीकल्चर, यानी जो सी वाटर में हम फार्मिंग करते हैं उसी को मरीन वाटर फार्मिंग कहते हैं, जिसको हम मेरी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी के बेसिस पर हम कितने प्रकार से फार्मिंग करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम, लिस्ट मैनेज्ड फॉर्म ऑफ फार्मिंग सिस्टम, मतलब इसमें मैनेज हम कुछ नहीं करते हैं। लार्ज पॉन्ड्स रेंजिंग 1 to 5 हेक्टेयर इन एरिया आर यूज्ड फॉर फार्मिंग, मतलब एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग में एरिया लगभग 1 to 5 हेक्टेयर तक होता है। और स्टॉकिंग डेंसिटी इसमें बहुत मतलब 0.5 पीस पर स्क्वायर मीटर फिश होता है। और नो सप्लीमेंटल फीडिंग और फर्टिलाइजर इज प्रोवाइडेड, इसमें सप्लीमेंटिंग फीडिंग हम प्रोवाइड नहीं करते हैं और फर्टिलाइजेशन भी इसमें नहीं करते हैं। हार्वेस्ट लगभग मतलब 500 to 2000 kg पर हेक्टेयर इसमें होता है। अगला है हमारा सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम, इन्वॉल्व्स रेदर स्मॉल पॉन्ड्स, मतलब इसमें स्मॉल पॉन्ड्स होते हैं जो 0.5 टू 1 हेक्टेयर तक एरिया में होते हैं। और स्टॉकिंग डेंसिटी इसमें 10,000 टू 15,000 पर हेक्टेयर होता है या 5 टू 10 पीस पर स्क्वायर मीटर श्रिम। नेचुरल फूड डेवलप होता है इसमें और फर्टिलाइजेशन भी किया जाता है, एंड फर्टिलाइजेशन के द्वारा नेचुरल फूड भी डेवलप किया जाता है एंड विदाउट सप्लीमेंटल फीडिंग, इसमें विदाउट सप्लीमेंटल फीडिंग से हम करते हैं फॉर फिश, बट इन श्रिम्प सप्लीमेंटल फीडिंग इज डन, या श्रिम्प के केस में हम इसमें सप्लीमेंट फीडिंग करते हैं। तो हार्वेस्ट करते हैं हम 2500 से लेकर 10,000 kg तक, मतलब इसमें हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और श्रिम्प के केस में हम 1500 से लेकर 2500 kg तक इसमें हार्वेस्ट कर सकते हैं। इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम क्या होता है? इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम इज द वेल मैनेज्ड फॉर्म ऑफ फिश फार्मिंग, मतलब इंटेंसिव फिश फार्मिंग में हम पूरी तरह से मैनेज करके हम इसको फार्मिंग करते हैं। टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फिश फॉर्म अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स स्मॉल पॉन्ड्स, इस सिस्टम में मतलब हम स्मॉल पॉन्ड्स रखते हैं, टैंक्स रखते हैं, रेसवे विथ वेरी हाई स्टॉकिंग, मतलब रेसवे कल्चर भी इसमें इंटेंसिव फिश फार्मिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जिसमें 10 टू 50 फिश पर मीटर क्यूब ऑफ वाटर रखते हैं इसमें।
अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिस स्टॉक फॉर फार्मिंग, मतलब स्टॉक के बेसिस पर हम कितने प्रकार से फार्मिंग करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मोनोकल्चर, ओनली वन फिश स्पेसिस इज रियर इन कल्चर सिस्टम, यानी एक कल्चर सिस्टम में एक प्रकार के स्पेसिस को हम रखकर जो कल्चर करते हैं उसको मोनोकल्चर करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है ट्राउट, टिलापिया, कैटफिश, कार्प, श्रिम्प। अगला हमारा पॉलीकल्चर, पॉलीकल्चर में टू और मोर डिफरेंट फिश स्पेसिस, यानी टू और मोर माने एक या एक से अधिक, दो से अधिक जो हम फिश स्पेसिस को एक कल्चर सिस्टम में मतलब कल्चर करते हैं तो उसी को पॉलीकल्चर बोलते हैं। जैसे टू और मोर डिफरेंट फिश स्पेसिस आर फॉर्म्ड, पॉलीकल्चर प्रैक्टिस गिवन हायर यील्ड देन मोनोकल्चर, यानी मोनोकल्चर से पॉलीकल्चर प्रैक्टिस हायर होता है। द प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पेसिस फॉर पॉलीकल्चर आर डिफरेंट फीडिंग हैबिट होता है, शुड ऑक्यूपाई डिफरेंट कॉलम्स इन पॉन्ड सिस्टम, शुड अटेन मार्केटेबल साइज एट सेम टाइम, शुड बी नॉन प्रेडेटरी इन बिहेवियर। ऑन द बेसिस ऑफ इनक्लोजर्स यूज फॉर कल्चर, मतलब इनक्लोजर के बेसिस पे जो हम यूज करके उसको कल्चर करते हैं उसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स के फार्मिंग हम करते हैं, जैसे कि पॉन्ड कल्चर। कॉमन मेथड ऑफ फिश कल्चर, यानी पॉन्ड कल्चर जो है कॉमन मेथड है फिश कल्चर के लिए। वाटर इज मेंटेन्ड इन एन इनक्लोज्ड एरिया बाय आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन बाय डाइक एंड बंड, हम डाइक और बंड बनाकर मतलब एक तरह से जहां पानी को मेंटेन करके रखते हैं वहीं पे मतलब कंस्ट्रक्ट करके एक तरह से आर्टिफिशियल डाइक बनाकर हम वहां पे वाटर को मेंटेन करके रखते हैं और उसी में मतलब फिश कल्चर करते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि कैसे मतलब डाइक बनाकर पॉन्ड कल्चर किया जा रहा है। अगला हमारा केज कल्चर, रियरिंग ऑफ फिश फ्रॉम जुवेनाइल स्टेज टू कमर्शियल साइज इन अ वॉल्यूम ऑफ वाटर इनक्लोज ऑन ऑल साइड्स, मतलब एक तरह से केज बनाकर हम उसमें फिश को मतलब मार्केटेबल साइज या कमर्शियल साइज में वहां पे ग्रो करते हैं। केज कल्चर इज सूटेबल टू वाटर एरिया विच कैन नॉट बी ड्रेन, मतलब केज कल्चर हम वहां पे बनाते हैं जहां पे पानी सूखे नहीं, हमेशा वहां पे पानी रहना चाहिए। केज कल्चर इज सूटेबल टू वाटर एरिया विच कैन नॉट बी ड्रेन, यहाँ पर मतलब ड्रेन नहीं होना चाहिए पानी को। एडवांटेज ऑफ केज कल्चर, इफेक्टिव यूज ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज, टेक्निकल सिंपल होता है इसमें, लोअर कैपिटल कॉस्ट लगता है, इजियर स्टॉक मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, मतलब स्टॉक मैनेजमेंट इजी होता है और मॉनिटरिंग भी इजी से हम कर सकते हैं इसमें। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ केज कल्चर, जैसे वल्नरेबल टू एक्सटर्नल वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम्स, एग्जांपल अलगल ब्लूम्स, लो ऑक्सीजन हो जाता है इसमें। और स्टॉक इज मोर वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स सच एज बर्ड्स, ग्रोथ रेट्स आर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एम्बिएंट वाटर पैरामीटर। एक केज कल्चर लगाया हुआ है फिगर में आप देख सकते हैं। अगला है हमारा पेन कल्चर, पेन कल्चर इज डिफाइंड एज रेजिंग ऑफ फिश इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इनक्लोज्ड ऑन ऑल साइड्स एक्सेप्ट बॉटम, यानी पेन कल्चर जैसे कि हम सभी साइड से उसको एक तरह से बंद करके रखते हैं और एक्सेप्ट बॉटम यानी ऊपरी भाग बॉटम को हम खुला करके रखते हैं ताकि फीडिंग के लिए और भी डिफरेंट टाइप्स के कारण हो सकते हैं, जैसे कि फीड का जो वेस्ट हो गया वो नीचे जा सकता है, वहां पर डिकम्पोज होगा। पेन कल्चर इज डिफाइंड एज रेजिंग ऑफ फिश इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इनक्लोज्ड ऑन ऑल साइड्स एक्सेप्ट बॉटम, दिस सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज अ हाइब्रिड बिटवीन पॉन्ड कल्चर एंड केज कल्चर। एडवांटेजेस, इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्पेस,
मतलब हम तरफ से जो स्पेस अवेलेबल होता है कहीं कहीं का, उनको हम इंटेंसिव तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सुटेबिलिटी फॉर कल्चरिंग मेनी वेराइटीज फिश, इजी ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट करने के लिए इजी होता है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ साइज एंड इकोनॉमी, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल फूड एंड एक्सचेंज मैटर विद द बॉटम। इसका डिसएडवांटेज है हाई डिमांड फॉर ऑक्सीजन एंड वाटर फ्लो। इसमें डिमांड मतलब ऑक्सीजन ज्यादा लगता है और वाटर फ्लो भी ज्यादा होती है। पोल्यूशन इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज फैलने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी भी लोग मछली को मतलब कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विथ मल्टीपल यूज ऑफ नेचुरल वाटर। अगला हमारा रेसवे कल्चर। रेसवे कल्चर इज डिफाइन एज रेजिंग ऑफ फिश इन रनिंग वाटर। रनिंग वाटर में हम रेसवे कल्चर को करते हैं, जैसे कि रेसवे आर डिजाइन टू प्रोवाइड अ फ्लो थ्रू सिस्टम टू एनेबल रियरिंग ऑफ मच डेंसर पॉपुलेशन ऑफ फिशेस। जैसे रेसवे कल्चर हम मतलब मेन टू टाइप से करते हैं, जैसे कि लिनियर टाइप होता है, एक लेटरल टाइप होता है। पॉन्ड्स आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस, द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटरिंग ईच पॉन्ड इज लार्जर एंड द सेम वाटर इज यूज्ड रिपीटेडली फ्रॉम पॉन्ड टू पॉन्ड। ऑकरेंस ऑफ डिजीज इन इनिशियल पॉन्ड मेनी थ्रेटली अफेक्ट द अदर कनेक्टेड पॉन्ड्स। लीनियर टाइप का जो कल्चर किया जाता है, रेसवे कल्चर किया जाता है, वो एक तरह से सीक्वेंस में होता है, जहां पे हमें डिजीज बढ़ने की चांस बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे कि एक पॉन्ड का पानी दूसरे पॉन्ड में, उस पॉन्ड का पानी दूसरे पॉन्ड में जाता है। इस प्रकार से मतलब डिजीज फैलने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम लीनियर टाइप को उतना प्रिफर नहीं करते हैं कि मतलब कल्चर कीजिए लीनियर टाइप का। और जो लेटरल टाइप होता है वो रेसवे कल्चर के लिए बेस्ट कल्चर माना जाता है, क्योंकि पॉन्ड्स लेड आउट इन पैरेलल इन दिस टाइप। यह जो कल्चर किया जाता है लेटरल टाइप, यह पैरेलल में बनाया जाता है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटरिंग इच पॉन्ड इज स्मॉलर बट अ फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर इज इंश्योर्ड एंड नो ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम वन पॉन्ड टू अनदर पॉन्ड। जैसे एक पॉन्ड का पानी दूसरे पॉन्ड में नहीं जा पाता है, इसके कारण मतलब डिजीज को फैलने का चांस बहुत इसमें कम होता है। इसलिए हम लेटरल टाइप को प्रेफर करते हैं रेसवे कल्चर में करने के लिए। देख सकते हैं आप फिगर में बनाया है लिनियर टाइप और लेटरल टाइप किस प्रकार से बनाया गया है। एक पॉन्ड का पानी दूसरे पॉन्ड में भी जा रहा है और एक पॉन्ड का पानी दूसरे पॉन्ड में नहीं जा रहा है, वो डायरेक्ट सबको अलग अलग तरीके से मतलब पानी को लिया जा रहा है। डिफरेंट सिस्टम ऑफ एक्वा कल्चर इन कैटेगरीज, डिफरेंट सिस्टम से यहाँ पे एक्वा कल्चर फार्मिंग किया जा रहा है, फ्लो थ्रू हैचरी एंड रेड टिलापिया। अगला है हमारा रीसर्कुलेटरिंग एक्वा कल्चर सिस्टम, रैस। रैस का फुल फॉर्म है रीसर्कुलेटरिंग एक्वा कल्चर सिस्टम। और रीसर्कुलेटिंग एक्वा कल्चर सिस्टम्स कैन बी डिफाइन एज एन एक्वा कल्चर सिस्टम डेट That incorporates the treatment and reuse of water with less than 10% of total water volume replaced per day. मतलब एक तरह से reuse water को किया जाता है, जिसमें मतलब per day 10% loss of water के basis पे किया जाता है recirculating aquaculture system। इसे आप diagram में देख सकते हैं। सबसे पहले मतलब हम दो tank लिए हैं, जैसे कल्चर यूनिट एंड कल्चर यूनिट दो टैंक है, उसमें मैकेनिकल फिल्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे सम्प किया जा रहा है, फिर वहां पे बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन किया जा रहा है, उसके बाद फिर सम्प करके ऑक्सीजन इंजेक्शन देकर फिर वहां से कल्चर स्टार्ट हो जाता है। अगला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फार्मिंग इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन कल्चर सिस्टम में आ गए हम, जो फिश फार्मिंग विथ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ हम फिश फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। द फिश कल्चर इज इंटीग्रेटेड विथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स सच एज राइस, बनाना एंड कोकोनट, देयर बाय प्रोड्यूसिंग फिश एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स।
राइस फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग, राइस वैरायटी विथ अ स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम लाइक तुलसी, पनीधान एंड CR2607 ADT6 ADT7 राज अर्जान एंड पटाम्बे 15 and 16। फिश स्पेसिस सच एज कॉमन कार्प, टिलापिया एंड मॉरेल्स आर मोस्ट सुटेबल कल्चर इन राइस फील्ड। राइस फील्ड में हम मोस्टली स्पेसिस को मतलब प्रिफर करते हैं, कॉमन कार्प को, टिलापिया एंड मॉरेल आर मोस्ट सुटेबल फॉर कल्चर इन राइस फील्ड। अगला हमारा हॉर्टिकल्चर फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग। द डाइक्स एंड द ज्वाइनिंग एडज्वाइनिंग एरिया ऑफ पॉन्ड्स कैन बी बेस्ट यूटिलाइज्ड फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ड्वार्फ वैरायटी कोकोनट, मैंगो एंड बनाना। अगर है हमारा मशरूम फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग, सेरी फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग। लाइव स्टॉक इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग में मतलब लाइव स्टॉक में, इन दिस इंटीग्रेटेड फार्मिंग द एक्सक्रेटा ऑफ डक्स मतलब डक्स के एक्सक्रेटा, चिक्स के एक्सक्रेटा, पिग्स एंड कैटल आर यूज्ड डायरेक्टली इन पॉन्ड्स मतलब डायरेक्टली हम डायरेक्ट पॉन्ड में इनके वेस्टेज को हम डालकर कल्चर कर सकते हैं, पॉन्ड टू इंक्रीज प्लैंकटॉन जिसमें हम प्लैंकटॉन को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इच कंज्यूम्ड बाय फिश और सर्व्स एट डायरेक्ट फूड फॉर फिश यानी फूड के तौर पर डायरेक्ट फिश को यह कंज्यूम करती है। अगला हमारा है कैटल फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग। फॉर 1 हेक्टेयर पॉन्ड 5 to 6 काउ कैन प्रोवाइड एडिक्वेट मैन्यूर मतलब 1 हेक्टेयर पॉन्ड के लिए हमें मेनली 5 to 6 काउ की जरूरत पड़ती है मतलब फर्टिलाइज करने के लिए। अ हेल्दी काउ एक्सक्रेट ओवर 4,000 to 500 केजी डंग एंड 3,500 से लेकर 4,000 लीटर यूरिन एनुअली मतलब एक करती है। फिश प्रोडक्शन होता है 3,000 से 4,000 केजी फिश पर हेक्टेयर पर ईयर। मिल्क प्रोडक्शन होता है 9,000 पर लीटर ईयर। पिग फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग 6,200 नंबर ऑफ पिग्स आर इनफ टू फर्टिलाइज 1 हेक्टेयर आर फिश पॉन्ड मतलब 60 से लेकर 100 पिग 1 हेक्टेयर पॉन्ड को फर्टिलाइज करने में मतलब हेल्प कर सकते हैं। अ फ्लोर स्पेस ऑफ 3 to 4 meter square इज रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल पिग एक पिग के लिए मतलब 3 to 4 square meter की जरूरत स्पेस की जरूरत पड़ती है। एक्जोटिक ब्रीड्स लाइक व्हाइट यॉर्कशायर, लैंड्रेस एंड हैम्पशायर आर रियर्ड इन दिस फार्मिंग सिस्टम। ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प एंड कॉमन कार्प 1:1 ratio में मतलब हम इसको पॉन्ड में रखते हैं, सुटेबल फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग विद पिग्स के साथ मतलब इस टाइप में हम रखकर उनको फार्मिंग कर सकते हैं। अगला हमारा पोल्ट्री फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग। चिकन्स ड्रॉपिंग्स आर रिच इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन चिकन्स ड्रॉपिंग में जो फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। फॉर 1 हेक्टेयर फिश पॉन्ड 25,000 चिक्स कैन बी रियर्ड मतलब 1 हेक्टेयर पॉन्ड को फर्टिलाइज करने के लिए 25,000 से मतलब चिक्स हमें जरूरत पड़ती है। फ्रॉम पोल्ट्री 90,000 to 1 lakh eggs एंड 2,500 kg मीट कैन बी प्रोड्यूस्ड 3,000 से लेकर 4,500 kg फिश इज प्रोड्यूस्ड मतलब एक तरह से हम 90,000 से लेकर 1,000 तक एक को प्रोड्यूस कर सकते हैं और 2,500 kg मीट का भी हमें मिल जाता है और 3,000 से 4,500 kg हमें फिश भी प्रोड्यूस हो जाती है 1 हेक्टेयर पॉन्ड में पर ईयर। अगला हमारा डक फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग। द डक प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट टू फिश बाय कंज्यूमिंग जुवेनाइल फ्रॉग्स, टैडपोल्स एंड ड्रैगन फ्लाई इन द पॉन्ड। द डक ड्रॉपिंग कंटेंट 25% ऑर्गेनिक एंड 20% इनऑर्गेनिक सबस्टांस।
To fertilize 1 hectare fish pond, number of ducks are required is between 100 से लेकर 3000 तक, मतलब डॉग की जरूरत होती है 1 हेक्टेयर पॉन्ड को फर्टिलाइज करने के लिए। स्मॉल रूमिनेंट सच एज गोट, सीप एंड इंटीग्रेटेड रैबिट फिश फार्मिंग इज ऑल्सो प्रैक्टिस ओनली ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। दिस सिस्टम हैज अप टू नाउ नॉट रिसीव्ड मच अटेंशन। मतलब एक तरह से हम इस सिस्टम, मतलब स्मॉल स्केल पर भी हम जैसे कि गोट फार्मिंग, सीप फार्मिंग एंड रैबिट फार्मिंग भी इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग सिस्टम में करते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।